हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स का स्टेज है, दैट इज एन एमसीक्यू एग्जाम। और दोस्तों, आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, रिविजन किया, साथ के साथ आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रीलिम्स के आप काफ़ी क्लोज चले जाते हैं दोस्तों, और फिर आपका डर हो जाता है दूर। तो यही हम लोगों का टारगेट है दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल पर हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आ चुके हैं, जिसके थ्रू आप अपने पूरे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आज ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का भी लास्ट वीडियो है, आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यूज का लास्ट वीडियो है। तो होपफुली ये इससे आपको हेल्प हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस पूरे सीरीज का, हिस्ट्री एमसीक्यूज, पॉलिटी एमसीक्यूज, इकोनॉमी एमसीक्यूज, ज्योग्राफी एमसीक्यूज, सभी का आप बेनिफिट उठाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कुडियट्टम थिएटर दैट हैज बीन इंक्लूडेड इनटू यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज। तो दोस्तों, कुडियट्टम जो थिएटर है वो कहाँ का है, सबसे पहले तो ये आपको जानना है। दिस इज नॉट फ्रॉम कर्नाटका, दिस इज फ्रॉम केरला। कुडियट्टम, इट इज ए कंबाइंड डांस ड्रामा फ्रॉम केरला, बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी, सब सही है, बट नॉट फ्रॉम कर्नाटका, इट इज फ्रॉम केरला। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, द मेल एंड फीमेल रोल्स इन द ड्रामा आर ट्रेडिशनली प्लेड बाई द पीपल्स फ्रॉम चाक्यार कास्ट। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेल है वो है आपका चाक्यार कास्ट से, ठीक है, और जो फीमेल है, फीमेल कम्स फ्रॉम अंबाला वासी नाम्बियार कास्ट, अंबाला वासी नाम्बियार कास्ट। प्लीज इसको एकदम एज ए फैक्ट आप याद कर लीजिए, दो तीन बार ऐसे बोलिए, कुडियट्टम थिएटर केरला, ठीक है। मेल जो कैरेक्टर है वो चाक्यार कास्ट के हैं, फीमेल जो रहेंगे वो अंबाला वासी नाम्बियार कास्ट के रहेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। देखिए, और कुछ चीजें जान जाइए। जो इसका इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, इस ड्रामा का, उसको करता है एक कैरेक्टर जिसको विदूषक बोलते हैं। विदूषक हर थिएटर में एक होता है जो कि ड्रामा को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो विदूषक इसको इंट्रोड्यूस कर देता है मलयालम लैंग्वेज में, और उसके बाद सारा थिएटर होता है आपका संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है विथ कुडियट्टम, दैट इज कॉल्ड मिझाऊ। तो मुडियट्टम, केरला, मलयालम एंड संस्कृत, फिर आपका चाक्यार मेल कैरेक्टर्स एंड अंबालावासी नाम्बियार्स फीमेल कैरेक्टर्स, ठीक है। आई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडेड इनटू यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड द रीजन इन विच दे आर परफॉर्म, ठीक है। तो बताइए, अब बोल रहा है रम्मन हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है, रम्मन इज फ्रॉम उत्तराखंड, रम्मन इज फ्रॉम उत्तराखंड। मुडियट्टू इज फ्रॉम केरला। कालबेलिया इज फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो आपको पता है होना चाहिए, रम्मन जो है वो उत्तराखंड का है, मुडियट्टू केरला का है, और कालबेलिया जो है डांस जो है वो राजस्थान का है। आई 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संकीर्तन दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो संकीर्तन जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग आर्ट फॉर्म ऑफ आसाम विच ओरिजिनेटेड इन द 15th century AD। सब कुछ करेक्ट है, बट इट इज नॉट फ्रॉम आसाम, इट इज फ्रॉम मणिपुर।
संकीर्तन इज फ्रॉम मणिपुर दोस्तों, तो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है यूनेस्को के लिस्ट में, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम मणिपुर, इट इज़ फ्रॉम मणिपुर, और ये आपका जो शंकर देवा का जो वैसे नवाइट ट्रेडिशन है दोस्तों, उससे इसका रिलेशन है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आप कर रहा हूँ, दूसरा देखिए, इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ वैष्णवाइट्स हियर एंड नरेट्स द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन से रिलेटेड है, तो ये लॉर्ड कृष्णा का के लाइफ वगैरह के बारे में बात करेगा ही, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो 18th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द सेक्ट्स ऑफ सैविज्म, तो सैविज्म के जो सेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। जैसे पहला है, नाथ पंथीज फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गोरखनाथ एंड वर्शिप द आदिनाथ फॉर्म ऑफ शिवा। बिल्कुल, जो नाथ पंथी होते हैं दोस्तों, जैसे हमारे एक यूपी के उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथ पंथी परंपरा से ही आते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है गोरखनाथ के जो टीचिंग्स है उनको मानते हैं, और ये लोग शिव जी के आदिनाथ रूप की पूजा करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, दस नामी सन्यासीज आर द डिसाइपल्स ऑफ आदि शंकराचार्य एंड आर एसोसिएटेड विथ अद्वैत वेदांत, तो बिल्कुल ये आदि शंकराचार्य से के डिसाइपल्स हैं, और शंकराचार्य की ने किस फिलोसफी को प्रोपाउंड किया था, उन्होंने अद्वैत वेदांत को प्रोपाउंड किया था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को किया था, रामानुजाचार्य ने आपके विशिष्ट अद्वैत वेदांत को किया था। अब इसके अलावा आप मुझे बताइए कि मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और निम्बकाचार्य, नाम लिख लीजिए, मध्वाचार्य ने किस वेराइटी ऑफ वेदांत को प्रोपाउंड किया, वल्लभाचार्य ने किस वेराइटी ऑफ वेदांत को प्रोपाउंड किया, फिर आप बताइए श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस वेदांत के सब्सेक्ट को प्रोपाउंड किया, और निम्बकाचार्य ने किस वेदांत के सब्सेक्ट को प्रोपाउंड किया, ये आपको बताना है। तो यस, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, अघोड़ी, अघोड़ीज आर डिवोटीज ऑफ भैरव फॉर्म ऑफ शिवा एंड इंडल्ज इन एक्सट्रीम तामसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल दोस्तों, जो अघोरी होते हैं वो शिव के जो भैरव रूप है उसको उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे डेड बॉडी को ये लोग, कई जगह देखा गया है कि वहाँ से मांस लेकर के खा लेते हैं, ठीक है। प्लस क्या है आपका, जो राख होता है भभूत, उसको शरीर में लगा करके घूमते हैं। ये लोग ड्रिंकिंग वगैरह भी इसमें सब कुछ अलाउड है, ठीक है, ड्रिंकिंग अलाउड है एज पार्ट ऑफ इधर यू नो प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों तामसिक प्रैक्टिसेस हैं, और इसको ये लोग फॉलो करते हैं अघोरीज। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिंगायत सेक्ट ऑफ शैविज्म, तो दोस्तों जो लिंगायत है, नाम से आप पता कर सकते हैं कि शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंगम, लिंग की ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो लिंगायत्स वर्शिप शिव इन हिज मैनिफेस्टेशन ऑफ आदित्यनाथ, आदिनाथ, गलत, आदिनाथ का वर्शिप करने वाले जो है उनको बोलते हैं नाथ पंथी। लिंगायत लोग शिव के लिंग को वर्शिप करते हैं एंड वियर अ स्मॉल आदिनाथ, आदिनाथ नहीं, वियर अ स्मॉल आदिनाथ इन सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, गलत बात है, लेफ्ट शोल्डर पर, ये लेफ्ट शोल्डर पर शिव का एक लिंग जो है वो लगा करके रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखिए, दे चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, बिल्कुल ये लोग जो है कास्ट परंपरा, कास्ट वगैरह को नहीं मानते हैं और थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी नहीं मानते हैं। ये बॉडी को ब्यू नहीं करते दोस्तों, क्रीमेट नहीं करते, जलाते नहीं हैं, उसको दफनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। क्वेश्चन 21 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन थिएटर, द एक्सकेवेटेड रूइंस एट सीताबेना एंड जोगीमारा हाईलाइट्स द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ थिएटर इन इंडियन कल्चरल सिनेरियो। तो आप देखिए, जो सीताबेना है और जोगीमारा है, ये है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है, याद कर लीजिए, सीताबेना एंड छत्तीस एंड जोगीमारा आर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और यस, ये लोग जो है इंडियन थिएटर का लॉन्ग ट्रेडिशन बताते हैं कि यहाँ पर एक एमपी थिएटर है दोस्तों, पुराना सा है वैसे तो, अब मतलब वो वर्किंग नहीं है,
तो उस टाइम का एमपी थिएटर यहाँ पर दिखाई देता है। तो एमपी थिएटर पर क्या होता था, थिएटरिकल परफॉर्मेंसेस होते थे। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, सरीपुत्र प्रकरण बाई अश्व घोष इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। बिल्कुल दोस्तों, जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल यही है, सरीपुत्र प्रकरण, जिसको किसने लिखा है, अश्व घोष ने लिखा है। बाद में बहुत सारे लोगों ने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया, बट अश्व घोष के द्वारा लिखे गए सरीपुत्र प्रकरण जो है ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके क्लासिकल संस्कृत ड्रामा की। तो दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए, विदूषक क्लाउन द कॉमिक कैरेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन संस्कृत प्लेज। यस दोस्तों, विदूषक जो है वो आपका नायक का दोस्त होता है, नायक यानी हीरो का दोस्त होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बीच बीच में क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड करते रहता है, ये कहानी को स्टार्ट करेगा कि ऐसा ऐसा, जैसे आप एकदम शुरुआत से सब कुछ आपको तो पता नहीं रहेगा या सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता, तो कैरेक्टर बता देगा कि यहाँ पर राम जी हैं, सीता जी हैं। अब जब एक मेल और फीमेल आएंगे तो आप देख के एसोसिएट कर सकते हैं कि हाँ चलो राम जी आ गए, सीता जी आ गए, इस टाइप से। तो विदूषक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1861 विच सर्व्स एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में फाउंड किया गया था, ठीक है। इसको फाउंड किया गया था एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, एकदम नाम आपको याद रखना चाहिए, एलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे, क्योंकि यही फाउंड किए तो यही इसके डीजी थे, ठीक है। और आज के डेट में ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक अटैच्ड ऑफिस है, दिस इज करेक्ट। दूसरा देखिए, द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू कंबाइन एजुकेशन एंड कल्चर। बिल्कुल, जो CCRT है दोस्तों, इसको एजुकेशन और कल्चर को कंबाइन करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। और इसको फॉर्म किया गया था दोस्तों, एक आप एक बार विकिपीडिया में इस नेम के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर कपिल वात्स्यायन और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, प्लीज़ आप इसको सर्च करिएगा विकिपीडिया पर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा इन लोगों के बारे में। डॉक्टर कपिल वात्स्यायन एंड श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर ही इसको CCRT को फॉर्म किया गया था। तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल एजुकेशन वॉज फाउंडेड इन 1950 बाई मौलाना अबुल कलाम आजाद टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कल्चरल कॉन्टैक्ट विथ डिफरेंट कंट्रीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जो ICCE है, ठीक है, और हालांकि इसको अब ICCR बोला जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन अब इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको फॉर्म किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। और ये एक बेस के रूप में सर्व कर रहा था इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में कल्चरल कॉन्टैक्ट के लिए। और आज के डेट में आपको पता ही है दोस्तों कि हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो कितना ज़्यादा है, वी इंजॉय गुड सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो उसका कारण यही सब रहा है दोस्तों, हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस रहे हैं वही हमारा इसका कारण रहे हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब ध्यान रखिएगा कि CCRT और ICCR इन सब में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। CCRT फॉर्म किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, किसके कहने पर, आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय और कपिला वात्स्यायन के कहने पर। और ICCR या ICC फॉर्म किया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 22 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन 23 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू यक्षगण ट्रेडिशनल थिएटर। तो दोस्तों, यक्षगण ट्रेडिशनल थिएटर इज ए फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, इट इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तो ये स्टेटमेंट आपको पता ही है कि ये गलत है, क्योंकि ये तमिलनाडु का नहीं, ये कर्नाटक और केरला के कासरगोड, एकदम ऐसे याद रखना है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। यक्षगण वो कर्नाटक और कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला का पार्ट है। देखिए, अगर मैं आपसे बताता हूँ, अगर आप साउथ इंडिया के हैं और इस कासरगोड को ऐसे नहीं प्रोनाउंसिएट करते हैं, मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका जो यक्षगण है, ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, कहाँ से, कर्नाटक से और कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ
केरला से। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा देखिए, इट इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो आपका यक्षगण परफॉर्म किया जाता है, ये महाभारत, रामायण, पुराण, इन सब से ही जो है ये लेता है, आपका थीम्स लेता है। तीसरा देखिए, इट वॉज परफॉर्म बाई कम्युनिटी नोन एज जक्कुलु वारु इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको नाम याद रख लेना है अलग अलग के क्या। जैसे अब आप बताइए मुझे कि चाक्यार एंड नाम्बियार कास्ट क्या परफॉर्म करते हैं, ऊपर ही डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, जक्कुलु वारु जो कम्युनिटी है वही इसको विजयनगर डायनेस्टी के रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म किया करते थे। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, इट इज अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर स्टार्टेड बाय द फेमस वैष्णव सेंट शंकर देवा एंड हिज डिसाइपल महादेवा इन द 16th सेंचुरी AD। इट इज परफॉर्म्ड इन द स्टाइल ऑफ एन ओपेरा एंड डिपिक्ट्स इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्णा, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ थिएटर इज द यूज ऑफ मास्क टू डिपिक्ट स्पेशल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये क्या है, भवाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि ये गुजरात का है। नौटंकी हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, अंकिया नाट हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अंकिया नाट आपका है असम से, अंकिया नाट है असम से। और करियाला दोस्तों कहाँ से है, करियाला इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो करियाला कैन नॉट बी द आंसर। वैसे भी आपको पता है कि अंकिया नाट जो है वो वैष्णवाइट ट्रेडिशन शंकर देवा इससे ये एसोसिएटेड है। अंकिया नाट, फिर से भावना, फिर संकीर्तन, ये सारे जो है किस किन से एसोसिएटेड है, शंकर देवा से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 24th का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25th देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड। तो एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड में जो फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में विजिट किए हैं उनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला देखिए, मेगास्थनीज विजिटेड द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल पता है, सही है। जो मेगास्थनीज था दोस्तों वो सेल्यूकस निकेटर का एक तरीके से राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, फा हियान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम, यस। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन, नो। अराउंड 100 AD, यहाँ ये स्टेटमेंट दो तरीके से रॉन्ग है कि हर्षवर्धन के टाइम में ये तो ये आया नहीं था, दूसरी बात है कि हर्षवर्धन का पीरियड 100 AD नहीं है, 620 AD के आसपास है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, इब्न बतूत फाहियान किसके टाइम में आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त 2 के टाइम में, ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था, ह्यून सांग आया था, ह्यून सांग आया था, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, इब्न बतूता वाज ए मोरक्कन ट्रेवलर के हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये बिल्कुल करेक्ट है। इब्न बतूता दोस्तों वो था मोरक्को से, मोरक्को में भी टैंजियर नाम की जगह से, और वहीं से वो आया था, और वो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी भी बना दिया था, बात आपको ध्यान रखना है। तो यस, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ देखिए, ह्यून सांग वाज ए पर्शियन ट्रैवलर, ह्यून सांग पर्शियन ट्रैवलर नहीं, ह्यून सांग चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता 2, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में नहीं आया था, वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। 25th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 ओनली। ऑल राइट, आई क्वेश्चन 26 से देखते हैं दोस्तों, कंसीडर द मैथमेटिकल एंड मेडिकल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड किस इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। आर्यभट्ट हैज नॉलेज ऑफ द टाइड्स एंड स्टार्स बट नॉट अबाउट नेविगेशन, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आर्यभट्ट के पास नॉलेज था टाइड्स का, स्टार्स का, नेविगेशन का, हॉरोस्कोप का, कैलेंडर्स का, उसके अलावा मैथमेटिक्स का भी नॉलेज था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका इज ए बुक दैट मेंशनड जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वैसे नाम थोड़ा सही है, ब्रह्मपुत्र सिद्धांतिका है जिसको ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, तो कई बार इस तरीके से भी बोला जा सकता है क्योंकि बुक को लिखने वाले का नाम ब्रह्मगुप्त है, ठीक है। तो यस, इसमें सबसे पहले आपको जीरो मिलता है, ठीक है, जीरो
सबसे पहले कहां पर मेंशन है, ब्रह्मस्पूत सिद्धांत, ब्रह्मस्पूत सिद्धांतिका रिटन बाय ब्रह्मगुप्त, इसमें सबसे पहले आपको जीरो का मेंशन मिलता है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक ब्लड टिश्यू एटसेट्रा इन चरक संहिता द नोट लैक्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स, ये गलत है दोस्तों। चरक संहिता के बारे में ये फैक्ट आप याद रखिए, चरक संहिता ये आयुर्वेदा के ऊपर तो बुक एक है, ठीक है, एंड इट मेंशंस, इट हैज मेंशनड जेनेटिक्स, चरक संहिता हैज मेंशनड जेनेटिक्स, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 26th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू ओनली। क्वेश्चन 27 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल कॉइनेज, मुगल कॉइनेज के बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। शाहजहां इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड इलाही कॉइन्स टू प्रोपगेट हिज न्यू रिलीजियस क्रीड दीन ए इलाही, अब ये दो तरीके से गलत है। दीन ए इलाही को किसने फाउंड किया था दोस्तों, अकबर ने किया था, ठीक है, ठीक है, और ये जो इलाही क्वाइन है उसको भी अकबर ने ही लॉन्च किया था, ये दीन इलाही रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए, शेर शाह सूरी अ 16th सेंचुरी रूलर ऑफ अफगान लीनियज इंट्रोड्यूस द रुपया अ सिल्वर क्वाइन, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों कि शेर शाह सूरी ने ही रुपया को इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट बाद में भी मुगल लोग भी एंड इवन ब्रिटिशर्स भी इस रुपया को यूज करते रहे थे काफी टाइम तक, ठीक है। आपको ये बताना है कि रुपया के अलावा भी शेर शाह सूरी ने एक क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया था, उस क्वाइन का नाम क्या है और उसमें कौन सा मेटल यूज हुआ है वो बताना है। रुपया इज ए सिल्वर करेंसी इशूड बाई शेर शाह सूरी, वट इज द नेम ऑफ अदर करेंसी इशूड बाई शेर शाह सूरी एंड विच मेटल वॉज यूज इन दैट करेंसी, ऑलराइट, ये आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट वैसे करेक्ट है। तीसरा देखिए दोस्तों, द स्टैंडर्ड गोल्ड गोल्ड क्वाइन ऑफ मुगल्स वॉज द मोहर, तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जो मुगल लोगों का जो गोल्ड क्वाइंस होता था उसको मोहर बोलते थे, मुगल लोगों का गोल्ड क्वाइन जो होता था उसको मोहर बोलते थे, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वाइन मुगल लोग यूज करते थे लेकिन मैं अभी वो बताऊंगा नहीं क्योंकि वो फिर सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो टू और थ्री तो करेक्ट है और इनकरेक्ट आपको बताना है, तो राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। आइए क्वेश्चन 28 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है, ठीक है। तो एम्पेरर जहांगीर कमीशनड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपको पता है कि दिल्ली का जो कैपिटल था उसका नाम था शाहजहानाबाद, और इसको किसने कमीशन किया था, इसको कमीशन किया था दोस्तों शाहजहां ने, शाहजहां ने, ना कि जहांगीर ने, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। आप बताइए शाहजहां ने और क्या क्या बनवाया था, और क्या क्या बनवाया था शाहजहां ने, जहांगीर ने क्या क्या बनवाया था, अकबर ने क्या क्या बनवाया था। देखिए आप नहीं भी कमेंट करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आई डोंट नीड योर कमेंट्स, बट द थिंग इज आप इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिए अलग अलग से सभी रूलर्स का। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, ऐरावतेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाई राजेंद्र वन एट दारासुरम फीचर्स 24 विमान एंड ए स्टोन इमेज ऑफ शिवा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ऐरावतेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसको राजेंद्र वन नहीं बनवाया है, इसको बनवाया है राजेंद्र टू ने, ठीक है। राजेंद्र वन ने बनवाया है दोस्तों गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है, याद रखिए राजेंद्र वन ने बनवाया है गंगई कोंड चोलपुरम,
ठीक है। और जो राजेंद्र टू है उन्होंने बनवाया है ऐरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये दारासुराम नाम की जगह पर ही है। ठीक है, इसके अलावा एक और टेम्पल है जिसका नाम है राजराज टेम्पल। ठीक है, उसको किसने बनवाया है वो आप बताइए। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नाम से ही आप गेस कर सकते हैं। तो खैर, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ऑल्सो नोन एज द टॉय ट्रेन इज द ओनली माउंटेन रेलवे लाइन फ्रॉम इंडिया डेजिग्नेटेड अंडर डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों, एक कंबाइंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में जिसको बोला जाता है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में दोस्तों थ्री रेलवे जाते हैं, एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और तीसरा आता है आपका कालका शिमला माउंटेन रेलवे, कालका शिमला माउंटेन रेलवे। तो ये तीन जो आपके माउंटेन रेलवेज हैं दोस्तों, ये आपके कंबाइंड रूप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सिर्फ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे नहीं है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, इन तीनों को कंबाइंड रूप में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में, ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, तीनों ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक माथेरान हिल रेलवे है, माथेरान हिल रेलवे है। अब आपको बताना है कि माथेरान जगह कहां पर है। ठीक है, तो माथेरान हिल रेलवे जो है ये भी आपका माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है, लेकिन ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है, ये आता है आपका टेंटेटिव लिस्ट में। ठीक है, आपको पता होगा कि दो टाइप की लिस्ट है, एक है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, और एक है आपका सिंपली वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। तो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें है, ये भी आता है आपका माथेरान माउंटेन रेलवे। ठीक है, माथेरान माउंटेन रेलवे, आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, माथेरान हिल्स रेलवे या माथेरान माउंटेन रेलवे, ये आपको बताना है कहाँ पर है। तो हो गया दोस्तों 28th क्वेश्चन। अब आई दोस्तों क्वेश्चन 29th है, एंड सिंस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन सो यू हैव टू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉइन्स यूज इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया के कॉइन्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला देखिए, द पंच मार्क्ड कॉइन्स इशूड इन 7th to 6th century BC बाई मर्चेंट गिल्ड वेर द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कॉइनेज इन इंडिया। तो जो 7th और 6th century BC में मर्चेंट गिल्ड के द्वारा पंच मार्क्ड कॉइन्स को इशू किया गया था, वही पहला जो है कॉइनेज इंडिया में है। आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द सका कॉइनेज ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप्स आर द अर्लीस्ट डेटेड कॉइन्स। आपको बताना है कि जो शक लोगों का जो कॉइन है, ठीक है, जो वेस्टर्न क्षत्रप थे शक में, उनका ये जो कॉइन है यही सबसे पहला डेटेड कॉइन्स है, यानी जिसमें कॉइन्स में डेट भी मेंशन है। आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, समुद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स एंड ही इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनारा। तो सबसे पहला सिल्वर कॉइन्स इशू करने वाले जो है वो समुद्रगुप्त थे, और उन्होंने ही दिनार नाम का गोल्ड कॉइन भी इशू किया था। आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द आंसर दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते, तो आपको रट ही लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर मार्क करिए, और इसी के साथ हम लोगों का आर्ट एंड कल्चर का पूरा सीरीज फिनिश होता है। अगर आपने इसी वीडियो से शुरुआत किया था तो आप पूरे सीरीज को देखिए। मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSEV आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे कंटेंट डायरेक्टली मिल सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।